जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। वहीं हैरानी की बात है कि हत्याकांड के 1.5 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी सुशील कुमार का मोबाइल फोन व वारदात वाली रात के कपड़े अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि मॉडल टाउन में सुशील की पत्नी के नाम फ्लैट है। इसे खाली न करने को लेकर ही सुशील का सोनू महाल सागर व अन्य से झगड़ा हुआ था। इसी वजह से 4 महीने से सुशील का इन लोगों से किसी न किसी मसले पर विवाद हो रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में भी ये पता चला है कि इस साल फरवरी में सोनू महाल ने उज़्बेकिस्तान निवासी अपनी प्रेमिका को उसका जन्मदिन मनाने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था। दोपहर में सोनू और सागर कुछ सामान खरीदने बाजार गए थे। इसी बीच सुशील कुमार के खास सहयोगी अजय सहरावत ने फ्लैट पर पहुंचकर युवती को अपमानित किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अजय ने युवती के साथ मारपीट भी की। कुछ देर बाद सोनू व सागर जब फ्लैट पर पहुंचे तो युवती ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। इस पर सोनू महाल ने फोन पर अजय को जमकर गालियां दी और जल्द ही देख लेने की भी धमकी दी। गौरतलब है कि पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी सुभाष शारीरिक व्यायाम का शिक्षक होने के साथ ही जूडो का कोच भी है, जो कि सुशील का परिचित है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवेश सिंह ने बताया कि सुभाष के कुख्यात काला चेटी से भी संबंध है। पुलिस ने दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखकर सुभाष के बारे में जानकारी दी है। क्राइम ब्रांच एक सप्ताह पूर्व हरियाणा के निहारी गांव से आरोपित अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर में वारदात वाली रात पहने हुए कपड़े और मोबाइल गिरफ्तार बरामद कर लिया है, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया गया है।